हेलो भाई सारे भाई बयान जय हिंद और वंदे मातरम आज हम आपके लिए लेकर आएँ एक बार फिर मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर जो भर्ती है उसके बारे में आपके लिए अपडेट लेकर आ चुके हैं इसकी जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो आपकी हो चुकी है उसके बाद में लगातार बच्चों के जो हमने आपको पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको रिजल्ट का बाद बताया था कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है उससे बाद में लगातार बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं सर इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है रिजल्ट ऑनलाइन आएगा ऑफलाइन आएगा ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा फिजिकल होगा या नहीं होगा तो आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और जब बच्चे वीडियो पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपकी ऑफलाइन भर्तियों की पूरी जानकारी सबसे सटीक जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है और किसी भी चैनल इतना फास्ट नहीं है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर आते रहिए क्योंकि नई नई आपको अपडेट मिलती रहती है और जैसे न्यू वैकेंसी आती है सबसे पहले अपडेट आपको दी जाती है चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चलिए बात करते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर जिस जिसका रिटर्न एग्ज़ाम है वो कन्डक्ट करा लिया गया है यानी कि एग्ज़ाम हो चुका है इसके बाद में बच्चों के थोड़े डाउट रह गए हैं कि सर इसकी इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की ठीक है जनरल की आपकी जिस बच्चे के एक सौ पैंतीस क्वेश्चन राइट है पाँच प्लस माइनस हो सकता है उसका हम कह नहीं सकते जिस बच्चे के एक सौ पैंतीस क्वेश्चन राइट है उसका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा सौ परसेंट क्लियर हो जाएगा आगे बात करते हैं ई एस की ई एस में मैं बता दूँ जिस बच्चे के एक सौ पच्चीस क्वेश्चन एक सौ पच्चीस क्वेश्चन राइट है उसका सिलेक्शन श्योर होगा ठीक है आगे बात करते हैं एस की एस में जिस बच्चे के एक सौ बीस क्वेश्चन राइट है वो पांच प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया है पांच प्लस माइनस इसमें हो सकते हैं पर एक सौ बीस क्वेश्चन अगर किस जिस बच्चे का है उसका सेफ स्कोर है ठीक है आगे बात करते हैं ओबीसी की ओबीसी में जिस बच्चे की एक सौ तीस क्वेश्चन पांच प्लस माइनस मैंने बता दिया है शुरू में आपको ये हो सकता है पर जिस बच्चे के एक की एक सौ तीस क्वेश्चन राइट है उनका सेफ स्कोर रहेगा ठीक है एस टी इसके अंदर नहीं है क्योंकि एस टी कोई सीट नहीं होगी पर ये एस टी का जो बच्चा है वो जनरल के अंदर काउंट होगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आगे बात करते हैं ये जो हम हमने बताई है आपको ये जो कटोप बताई है वो हमने आपकी बताई है चौकीदार की ठीक है चौकीदार की कटो बताई गई है बारबर की भी मैं आगे, आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए आगे बात करते हैं इसके अंदर रिजल्ट ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन आएगा तो भाई मैं आपको बता दूं रिजल्ट आपका ऑफलाइन ही आएगा ठीक है क्योंकि ये ऑफलाइन वैकेंसी है इसलिए इसका रिजल्ट भी ऑफलाइन ही आएगा ठीक है और ऑफलाइन रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको सबसे सटीक जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो चैनल पर आते रहिए और चेक करते रहिए कि रिजल्ट आया या नहीं आया जैसे रिजल्ट आएगा सबसे फास्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर दी जाएगी आगे बात करते हैं ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा ट्रेड टेस्ट होगा ठीक है इसके अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होगा बार बार के अंदर ट्रेड टेस्ट होगा चौकीदार के अंदर कह नहीं सकते होगा या नहीं होगा वो आगे बात करेंगे जो आपके एग्जामिनर है उन पर निर्भर करता है इसका फिजिकल होगा या नहीं होगा यह भी बच्चों के कुछ बच्चों के डाउट है कि सर इसका फिजिकल होगा या नहीं होगा फिजिकल इसमें नहीं होगा आपका ठीक है नो इसमें आपका फिजिकल नहीं होगा इसमें साफ साफ लिखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसके अंदर साफ साफ है कि इसका फिजिकल नहीं होगा तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है अगर वो कोई और आपको कोई डाउट रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी ठीक है अगर वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें एक बात और मैं बता दूँ आपको हम हमने बार बार का नहीं बताया तो बार बार का भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है बार बार का है जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की ठीक है जनरल की बात कर लेते हैं इसके अंदर यह तो आपकी चौकीदार का है ठीक जनरल की बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल जेड ई एन जनरल में जिस बच्चे के ध्यान से सुनिए मेरा जिस बच्चे के एक सौ तीस क्वेश्चन प्लस फाइव एक सौ तीस क्वेश्चन प्लस माइनस फाइव हो सकते हैं जिस बच्चे के जनरल के अंदर क्वेश्चन राइट right है उसका बार बार में सेफ स्कोर है आगे अगली कैटेगरी की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की ठीक है ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के एक सौ पच्चीस क्वेश्चन राइट है उसका आपका बार बार के अंदर सेफ स्कोर है ठीक है फिर आगे बात करते हैं हम एस की जिस बच्चे के जिस बच्चे के एक सौ बीस क्वेश्चन बार बार के अंदर राइट है उनका सेफ स्कोर है क्योंकि भाई माइनस मार्किंग बहुत ही बहुत थी इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है एक सौ बीस क्वेश्चन आपका सेफ स्कोर है आगे बात करते हैं ओबीसी की ओबीसी की जिस बच्चे के एक सौ पैंतीस क्वेश्चन राइट है उनका सेफ स्कोर रहेगा इसका कारण मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें ओ की सीटें बहुत कम है इसलिए ओ की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने के चांसेस है और इसके अंदर आपकी एस की कोई सीटें नहीं है इसलिए जो बच्चा एस से है उसका फॉर्म आपका जो कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी जनरल के तौर पर ठीक है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है पूरी आपको जानकारी दे दी गई है पर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, हो। तो हमें डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे फास्ट अपडेट भी दी जाती है और नई नई वेकेंसों के बारे में बच्चे चर्चा भी करते रहते हैं तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जय हिंद